मेरी तो यहाँ से लेके रेलवे स्टेशन तक मेरे कंधों की वो वॉच लगने वाली। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, या सेम व्लॉग, सेम व्लॉग। मेरे इस वाले बैग का मेरे लिए गाना बताइए क्या, ये बंधन तो प्यार का बंधन। तू सो गया था, मुझे रात को काले काले किसकी कॉल आ रही? बंदे को उठ के बोल रहा है तू, मैसेज मुझे फोन कर रहा था। कौन? पता नहीं यार, कोई था वो, नहीं मैंने बाद में कॉल करी थी उसको। अच्छा, मैं जब बोल रहा था तो बुड़ बुड़ ना कर, सोन दे। गाली दे रहा, गाली। एक तो ये लिफ्ट इतनी स्पूकी सी है, जैसे किसी भूत बंगले में रह रहा हो बंदा, और मुझे एक ही डर है कि आगे कुत्ते होंगे। है भाई, इतने कुत्ते देख के वहाँ भाई रोड पे हमारी हालत हो गई थी पतली, तो हमने एक रिक्शा कर लिया वहाँ से। ऐसे उबर कर रहे थे, पर उबर टाइम पे पहुँचने का या कोई जाग ही नहीं रहा था बंदा, ऐसा कुछ सीन था। ट्रेन को भी रेड सिग्नल्स होते हैं, आते हैं मुझे तो, मतलब अभी हम हैं महाराष्ट्र में, इस सुबह से पता है, एक तो जो टिकट हमने ली हुई थी वो कंफर्म भी नहीं थी, ऐसे इधर उधर करके किसी तरीके से यहाँ तक पहुँच गए। अभी यहाँ से हमें ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर्स और बच रहे हैं, पता नहीं बाकी वाला सफ़र बचा हुआ है जो वो कैसे निकलेगा। ये कहीं वीरान सी जगह पर आके रुके हैं हम। मुंबई वैसे हमने क्रॉस कर लिया है, नवी मुंबई, पता नहीं ये नवी मुंबई है यार, मुझे तो ये सबसे ज़्यादा पुराने वाली साइड दिख रही है भाई। जहाँ पे भी हम जाते हैं हमें लोग घूरते हैं, पता नहीं स्मार्ट है हम। और मुझे अपने हाथ में यहाँ पे इतने गोरे लग रहे हैं, पता नहीं क्या तो ये बोल रहा था, मुझे हाथ गोरे क्यों लग रहे हैं? मैं भाई, तू जब से देख रहा है तुझे यार, हम बहुत डिस्क्रिमिनेशन करते हैं यार। वेयर इन महाराष्ट्र गाइस, ट्रेन रुकी हुई थी तो मैं भी उतर गया थोड़ा सा फिल्म करने के लिए। अभी तक तो बहुत ज़्यादा खजालत, बहुत ज़्यादा जलालत हुई है, मेरे कपड़ों की वो हालत हो रखी है मैं बता भी नहीं सकता। ज़माने पे चलता होगा पर आज तो नहीं चल रहा, आज ही पानी की ज़रूरत थी मेरे को, थोड़ा सा ब्रेक लेना था इसलिए मैंने ट्रेन रुकवा ली। किधर था? ब्लॉग कर रहा था। क्या पता नहीं, समवेयर इन महाराष्ट्र लग रहे हैं हम तो। अभी अभी नहीं गोवा इंटर हुआ है ना इसी जगह ही, ये है अभी संगमेश्वर आएगा आगे, ये पड़ोई रत्नागिरी, यहाँ से एक घंटा है रत्नागिरी, रत्नागिरी अभी मुझे नहीं पता वो कहाँ पे है। चल मुझे लगता है मुझे नीचे उतर के इसको धक्का लगाना पड़ेगा। कहाँ पे प्रॉब्लम है कुछ पता यार? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है चलने कम लग रही है मुझे, चलने वाली है, आ जा तू। हाँ ग्रीस ले, तू धक्का कर ले सच में, उधर कम डाली हुई तभी हमारे डब्बा है ना जो ये वाला, ये ज्यादा वाला, ये आवाज़ कर रहा है ना। मैंने भी ये चीज़ नोटिस करी, पीछे वाला ऐसे हिलता है। तेरे जैसे इंजीनियर होने चाहिए थे जो आर्ट्स पढ़ के इंजीनियर बनते हैं। देखते अभी तक गाइस मैं सोच रहा था कि मतलब मैंने एक सेल्फी ली ना, तो वो सेल्फी कुछ ऐसी वाली आई, तो मैंने सोचा भाई ये हुआ क्या अचानक से। तो अभी ना मेरे पास हुडी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना हुडी के साथ ही फेस थोड़ा सा वाइप कर लिया जाए ना। ये देख रहे हो, ये मेरे फेस से उतरा, ये भी ये दुख का खत्म नहीं। The next day. गाइस गोवा में इतनी ज़्यादा गर्मी है कि अभी हम गोवा मार्केट में आए हुए हैं, रात को बहुत लेट पहुंचे थे। जो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा ह्यूमिडिटी है कि पसीना टपक रहा है बस, और हम मार्केट में आके मार्केट में जाने के लिए बस ढूंढ रहे हैं। गाइस मार्केट के लिए बस मिल गई हमें, यहाँ पे पहुँचते ही शेर का पहला रिएक्शन यही था भाई, अच्छा तो ये है गोवा की कैपिटल। ओ यार लिटरली, मतलब हमारी शक्ल बोल रही होगी, आप देख लो यार, ये गाइस ये गोवा है गाइस। शायद मतलब काफ़ी सारी कुछ बता रहे थे बीच में, टूरिस्ट अट्रैक्शंस और जो कसिनोज, हर जगह पे जहाँ पे भी देखो आपको कसिनोज ही दिखाई देंगे। गाइस हमें विशाल मेगा मार्ट यहाँ पे मिल गया है, तो हम अंदर से जाके देख के वापस आते हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है ये बाहर से। और पूरा मॉल जो है अंदर से मतलब ऐसे लग रहे हैं जैसे पुराना खंडर हो।
कहीं से घूम फिर के हम पहुंचे हैं जी कैंडोलिम, कैंडोलिम रिवर है ये? नहीं कैंडोलिम उधर है, ये नहीं। ये कौन सा वाला है? बेम्बोलिम कैंडोलिम जो भी है गाइस, ये किसी रिवर के हम साइड पे आके पहुंचे। जहाज के ऊपर कैसीनो है या कैसीनो के बीच में जहाज है? हर जगह पे कैसीनोज ही कैसीनोज देखने को मिले। बाकी जो व्यू है यहाँ से क्या ही एकदम सूथिंग और मेस्मराइजिंग व्यू है। यहाँ पे इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, सर्दियों वाली वाइब तो बिल्कुल नहीं आती। क्या काम करते हैं, एक बस स्टैंड तक पैदल चलते हैं, बस स्टैंड से गाड़ी पकड़ के सीधा रूम में चलेंगे। यहाँ नहीं है यार कुछ भी इतना मतलब खास, ऐसे ही कुछ टू बी ऑनेस्ट अजीब सा है। नए नए आए शायद तभी अजीब लग रहा है, वरना ऐसी ऐसी वाली फुटपाथ तो वो डल लेक की साइड पे भी बनी हुई, पर वहाँ पे घूमने का लिटरली स्वाद ही कुछ और है। फिर तब से चले जा रहे हैं कुछ 2 किलोमीटर से लगातार ऐसे ही अच्छी अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। ऐसे राजस्थान में हमने ठंडी हवा बहुत ज़्यादा मिस करी थी। वहाँ पे रोड क्रॉस करना बहुत बड़ा रिस्क है भाई, गाड़ियाँ एकदम जहाज की स्पीड में जा रही होती हैं। एक्सक्यूज़ मी, यहाँ से ओल्ड गोवा के लिए बस कहाँ से मिलेगी? उस तरह से, थैंक यू। ओल्ड गोवा, ओल्ड गोवा भाई, ये भी तो पुराना ही लग रहा है। इतनी देर की मशक्क़त के बाद हमें आके यहाँ पे गाड़ी मिली है बस। और भाई यहाँ पे क्या खजालत है, अगर आप नहीं जानते ना किसी जगह को भी तो वहाँ पे ये सही रहता है कि कोई टैक्सी वैक्सी बंदा कुछ भी रेंट कर पाए, पर यहाँ पे उबर और ओला का कोई सीन ही नहीं है दूर दूर तक। मुझे ये बहुत अजीब लगा यहाँ पे उबर और ओला नहीं है। बस इस गाइस भाई सही सुरनकोट की वाइब आ गई मेरे को। चल 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 चल, मच 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 लेटर गाइस। घूमते घूमते हम सीधे आ पहुँचे हैं ओल्ड गोवा चर्च के पास। ये हमारे सामने ओल्ड गोवा चर्च, जो कि मुझे एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता, पर मतलब ऐसे अंदाजे से लग रहा है कि 400-500 साल तक तो हो सकता है इसकी हालत। ओम पो मतलब हम टाइम पे आते तो हम भी अंदर जा पाते, पर अभी जो है 4 बजे के बाद ये क्लोज हो गया। और अभी टाइम क्या हो गया, टाइम 5:34, 5:30 का टाइम हो गया अभी। ये तो हमारे कहने पर भी ना खुले, क्या म्यूज़ियम घूम के आते हैं। थोड़ा सा लेट हो गया, अभी देखिए कितनी सारी दुनिया जा रही है। इसको क्या हो रखा है यार, इसने मेरे व्लॉग ही खराब कराना था क्या? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वाव वाव वाव। ऐसे ही तो नहीं पुर्तगीज़ ने यहाँ पे 450 साल तक रूल किया भाई। पूरा का पूरा जो आर्किटेक्ट है वो हर जगह पे वैसा ही दिखाई देगा जहाँ जैसा आपको पुर्तगाल में दिखाई देगा। ये हम ओल्ड चर्च देखने के लिए अंदर जा सकते हैं और ना ही म्यूज़ियम के अंदर जा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये है जी इसका पूरा मैप ड्रॉ किया हुआ, और वर्ल्ड हेरिटेज मोन्यूमेंट्स इंडेक्स, वो कुछ चीज़ें जो इस म्यूज़ियम के अंदर हैं अभी रखी हुई। चलते हैं फ़िलहाल, फिर किसी दिन अगर यहाँ पे रुके तो आएंगे घूमने के लिए, और जो अंदर मॉन्यूमेंट्स रखे हुए हैं वो भी दिखाएंगे साथ में, और साथ में ऑब्वियसली जो ओल्ड चर्च है वो भी दिखाएंगे। बनाए हुए हैं क्या? बनाए हुए हैं पर यहाँ से कितनी स्पूकी सी वाइब आ रही है भाई, एकदम डरावनी वाली। वहाँ पे सामने लिखा हुआ है जीसस द विक्टोरियस एडम, और यहाँ के कुत्ते। वैसे ये गोवा की मार्केट्स जो भी हैं, ऐसी छोटी छोटी मार्केट्स बनी हुई हैं, पूरी की पूरी कश्मीर की वाइब्स दे रही है ना। ऐसी मार्केट्स होती है, बस इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पे मैक्सिमम जो है मतलब क्रिश्चियनिटी के रिलेटेड वो देखने को वो चीज़ें मिलेंगी लेने। वहाँ पे ज़्यादा क्या होता है कपड़ों वपड़ों का, और यहाँ पे भी बिल्कुल वो अंग्रेज़ों को चूना लगाने के लिए शॉप्स बनी हुई हैं। कि हमारे सामने सेंट अगस्टीन टावर, ओ वाह, और ये 425 ईयर्स ओल्ड है, 425 साल पुराना। मतलब 1602 में कंप्लीट हुआ था, 1602 में, 400 साल पहले इसकी हाइट इतनी होती थी। तब के लोग तो ऐसे इसको देख के ऐसे मुंह खुला रहता जाता होगा। वाह, अगर इसके अंदर जाने देते हुए डेफिनेटली एक दिन आएंगे, पूरा पूरा इसका टूर का व्लॉग बनाएंगे भाई।